अज़बिल्लाह मिन शैतान जीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कम बजट में एक अच्छा घर, अच्छे घर से मुराद ले रहा हूँ मैं कि उसका जो उसकी फिनिशिंग है वो आउट क्लास हो, इंटीरियर डिज़ाइन है वो ए प्लस मटेरियल के साथ हो, घर भी जो सा है ए प्लस मटेरियल के साथ बना हो। और आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो डी एच ए लेवल की फिनिशिंग आपको कम बजट में अगर चाहिए और एक खूबसूरत घर चाहिए तो आप मेरी बैक साइड पर जो घर देख रहे हैं 3 मरला सिंगल स्टोरी का घर है, स्पेनिश लुक में नाजरीन ये घर बना हुआ है और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, जितना मैं कहूँ इतना कम है, इतना खूबसूरत माशाल्लाह ये घर बना हुआ है। 3 मरले का घर है। 3 मरले का जो घर है नॉर्मली हमारे यहाँ टाउन में जो फ्रंट होता है वो होता है 15 फुट, लेकिन इस घर का फ्रंट आप देख सकते हैं कि ये बाहर से ना इस तरह लगता है कि ये 4 मरले का घर है। आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि आपने वीडियो जो सी वो लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना। चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लाइक करें शेयर करें वो कोई मसला नहीं है, सिर्फ आपने तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो वीडियो से ले लेनी है। वीडियो में अगर कोई चीज़ समझ में ना आए फिर हमारे दिए गए नंबर पे हमसे रब्ता करके आप हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास इंस्टॉलमेंट भी घर हैं, वो अदर्स वीडियोस हमारी देख सकते हैं या हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है उस पे आप हमसे बजरिया व्हाट्सअप रब्ता करके इंस्टॉलमेंट पर घर भी ले सकते हैं। तो नाज़रीन 3 मरला सिंगल स्टोरी का ये घर है जिसका फ्रंट मैंने आपको बताया कि तकरीबन 19 से 20 फीट इसका फ्रंट है। स्पेनिश लुक में नाज़रीन ये घर बनाया गया जो कि आप देख भी सकते हैं माशाल्लाह। अगर लोकेशन की बात करें तो हमजा टाउन फेज़ टू मेन फरोजपुर रोड काना लाहौर ए ब्लॉक में नाजरीन ये घर है और इसमें वावड़ा की बिजली आपको मौके पे मिलेगी। उसके बाद नाजरीन इसका अगर इंटीरियर डिज़ाइन की अगर बात करें, मैं बस अभी नमाज पढ़ के सीधा मुझे पता चला माशाल्लाह घर एक मुकम्मल तैयार हो गया, रेडी फॉर सेल है, तो मैं क्या इंशाल्लाह पहले आपको विजिट करवाएं, बाद में जो चेंजिंग वगैरह वो बाद में करेंगे इंशाल्लाह। तो नाज़रीन इस घर का जो इंटीरियर डिज़ाइन है माशाल्लाह डीएचए लेवल का जो सा इंटीरियर डिज़ाइन आपको इस घर में नाज़रीन मिलने वाला है। टाइल वर्क आप चेक करें माशाल्लाह, मॉडर्न डिज़ाइन है जो सा वो उसकी टाइल वर्क अल्हम्दुलिल्लाह इस घर में किया गया है। सीलिंग डिज़ाइन देखें आप, सीलिंग डिज़ाइन बिल्कुल सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल शौक से जो कलर होते हैं देहाती टच उनमें आता है, उसको हमारे कस्टमर बहन भाई जो उसको पसंद भी नहीं करते तो इसलिए उसका टच हमने बिल्कुल भी नहीं दिया। सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये कारपोच का एरिया, छोटी गाड़ी आपकी इजीली आ जाएगी, यहीं से सेपरेट पार्टीशन है ऊपर वाले पोर्शन की इन फ्यूचर जब भी आप बनाना चाहेंगे। एक और चीज मैं आपको दिखाता चलूं कि जो लोग कहते हैं कि हमजा टाउन में बिजली नहीं है वावड़ा की या कम वॉट्स आते हैं, तो ये सामने लगा हुआ है, ये आप चेक कर सकते हैं, इसकी डीपी में 227 वॉट इस टाइम आ रहे हैं, 227 वॉट नाजरीन इस अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं वावड़ा की। यहाँ पे बिजली है, वावड़ा का मीटर है, मैं आपको इस घर का जो बिल है वो इंशाल्लाह ताला दूंगा। तो घर की जानिब चलते हैं। 3 मरले के घर में यहाँ पे आपको नाज़रीन इस वक्त मिलता है पाउडर रूम। पाउडर रूम में मुकम्मल जो इसकी एसेसरीज है वो इंस्टॉल्ड है, कमबोर्ड की ऑप्शन इसमें मिल रही है आपको। उसके अलावा आप मेरी बिल्कुल बैक साइड में देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिलती है थीम वॉल, वॉलपेपर उसमें इंस्टॉल्ड है। यहाँ से जैसे हम मेन इंटर होते हैं तो यहाँ पे आपको डोर्स मिलते हैं, डोर्स आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और सेमी वुड सॉलिड के जो से वो डोर्स नाजीन आपको यहाँ मिलते हैं। लॉक्स भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लगे हुए हैं यहाँ पे। जैसे ही नाजीन हम इंटर होते हैं तो सामने है जो मीडिया वाल है वो हमारा वेलकम करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल यहाँ पे आपको आपकी सेल्फ बुक के लिए शो पीस वगैरह रखने के लिए यहाँ पे स्पेस है और 3D जो वॉलपेपर है वो आपको इंस्टॉल मिलता है। टाइल वर्क की अगर हम बात करें तो टाइल वर्क आप देख सकते हैं जरा डिफरेंट ब्लैक और व्हाइट कलर का कम्बिनेशन करके टाइल वर्क जो सा वो बनाया गया है और जो टाइल का डिजाइन है ये जो आप देख सकते हैं टाइल का जो डिजाइन है वही सेम टू सेम ऊपर सीलिंग के डिजाइन के साथ इसको जो कंट्रास्ट किया गया है, ब्लैक पट्टी नीचे चलाई गई है, ब्लैक पट्टी ही ऊपर चलाई गई है। तो ये बड़ा ब्रिकी का काम होता है और जो घर यानी जो जिन भाइयों ने वर्किंग की हुई है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज को समझ भी सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुकम्मल निशेज बनाई गई है, निशेज के अंदर आपको वॉलपेपर मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे आपको मिलती है इसकी वेंटिलेशन विंडो जो तकरीबन 4x5 की यहाँ पे वेंटिलेशन विंडो मिल रही है आपको। उसके बाद नाजरीन क्योंकि ये एक 3 मरला सिंगल स्टोरी का घर है इसमें आपको सिटिंग एरिया भी काफी मिल जाता है, छोटी गाड़ी का गैराज मिल जाएगा, सेपरेट बिल्कुल किचन मिलता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको विजिट करवाता हूँ इसके मास्टर बेडरूम का। तो ये बेड आप चेक कर सकते हैं, ये तकरीबन इसके अगर मैं साइज की बात करूँ 14x12 का इस बेड का साइज है। इसकी बैक साइड पे आप देख सकते हैं मुकम्मल 3D वॉलपेपर आपको रॉयल डिजाइन में आपको यहाँ पे इंस्टॉल मिलता है। टाइल सेम टू सेम है, जिस तरह के मैं टाइल का पहले आपको बताता हूँ कि ये जो टाइल है आप देखते हैं 16x16 की ये टाइल है और ये टाइल पूरे घर में सेम टू सेम है। जो बीपीए टाइल होगी वो कमरे में अलहदा होगी, ड्राइंग रूम में अलहदा होगी, किचन में अलहदा होगी, क्योंकि वो इतनी बल्क क्वांटिटी में मिलती नहीं है। तो ये टाइम जो अलग ए प्लस टाइल है
जो कि इस घर में इंस्टॉल की गई है। इसके साथ ही यहाँ पे आपको ये मीडिया वाला आपको नाजिम मिल जाएगा जिसमें निशेज बना के उसमें वॉलपेपर इंस्टॉल किया गया है। यहाँ पे आपको वॉल लाइट्स जो है वो आपको इंस्टॉल करके देंगे इंशाल्लाह। उसके बाद आप देख रहे हैं कि इस कमरे में आपको वार्डरोब्स जो सी हैं वो नहीं मिल रही हैं। तो वार्डरोब्स क्योंकि कमरा जो है आपका डिस्टर्ब हो जाता है तो वार्डरोब्स हमने इंस्टॉल कर दी हैं वॉशरूम के अंदर। वॉशरूम के अंदर नाजिन आपको ये सीट की ऑप्शन मिलेगी और साथ ही इसकी बैक साइड पे आपको नाजिन मिलता है इसकी वार्डरोब्स। टू सेशन में इसकी टोटल वार्डरोब्स हैं जो कि फुल हाइटी वार्डरोब्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वाटरप्रूफ वार्डरोब्स है ताकि वो खराब भी ना हो। उसके साथ ही नाजिन यहाँ पे आपको मिलता है इसका वॉशिंग एरिया प्लस वेंटिलेशन का एरिया। इसका हम विजिट करवाते हैं आपको दूसरी साइड से, दूसरी साइड मींस के इसके किचन वाली साइड से। किचन आप इसका चेक कर सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल सेपरेट, यानी छोटे घर में नॉर्मली होता है ओपन किचन होता है और हम क्योंकि पंजाब से ताल्लुक रखते हैं तो हमारे खाने भी जरा तड़के वाले होते हैं तो पूरे घर में जो सा ना वो तड़का लग जाता है। तो ये बिल्कुल सेपरेट किचन है। यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक हुड लगा के इसका प्रॉपर सीलिंग के अंदर से पाइप डाल के इसका कनेक्शन किया गया बाहर और इसका प्रॉपर हम मैं आपको बल्कि विजिट करवाता हूँ। ये जी वॉशिंग एरिया यहाँ से ही आप किचन से यूज कर सकते हैं, बेड जो सा वो यूज नहीं करेंगे आप। वहां पे मोटर आपको फिटिंग मिलती है, प्रॉपर सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे मुकम्मल जंगला लगा हुआ है। तो नाजरीन ये तीन मल्ले का घर, तीन मल्ला सिंगल स्टोरी का घर, रजिस्ट्री इंतकाल वाला घर, हमजा टाउन फेज टू ए ब्लॉक में नाजरीन ये घर है और रजिस्ट्री इंतकाल वाला नाजरीन ये घर जो कि आपको बहुत ही बहुत ही बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ 47 लाख रुपए सिर्फ इस घर की आस्किंग है। आप मटेरियल कॉस्ट निकाल के देख लें, 675 स्क्वायर फुट, बल्कि 675 नहीं 710 स्क्वायर फुट तीन मल्ला सिंगल स्टोरी का कवर्ड एरिया बनता है और उसकी जो मटेरियल कॉस्ट है 4,000 4,200 इस टाइम रेट चल रहा है उसको मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ पे तकरीबन 7 लाख से मल्ला जगह का रेट है, उसको आप कैलकुलेशन निकाल के देख लें तो बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको ये एक बहुत ही बेहतरीन घर मिलने वाला है। तो लेट ना करें, जल्द से जल्द हमारे दिए गए नंबर पे हम रब्ता करें ये घर। इसके अलावा मजीद और हमारे पास घर अवेल हैं, 4 मल्ला 3 मल्ला 3 मल्ला डबल स्टोरी 5 मल्ले के घर, वो लेने के लिए जल्द से जल्द हमारे नंबर पे हमसे रब्ता करें। थैंक यू वेरी मच।